हाय एवरीवन, वेलकम टू द चैनल ऑफ आईपीसी इंडक्शन फिजिक्स क्लासेस बाय इमरान खान। चलिए अब हम रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स देखते हैं ऑफ चैप्टर नंबर 6, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जैसे कि हमने पार्ट 1 पार्ट 2 में न्यूमेरिकल्स देखे थे, कवर अप किए थे, अब जो रिमेनिंग न्यूमेरिकल्स है वो हम लोग पार्ट 3 में कवर अप करने वाले हैं, राइट। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 20 में क्या गिवन है। क्या दिया है? ए वायलिन स्ट्रिंग वाइब्रेट्स विद फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन्स? ठीक है, तो वायलिन स्ट्रिंग है और वो वाइब्रेट कर रही है विद अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 440 हर्ट्ज। क्वेश्चन नंबर 20, कितनी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी दिया है? 440 हर्ट्ज। ओके, और हमें पूछा क्या है? व्हाट आर द फ्रीक्वेंसीज ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड ओवरटोन? फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ओवरटोन, यानी कि फर्स्ट ओवरटोन पर कितनी फ्रीक्वेंसी होगी ये हमें कैलकुलेट करना है, सेकेंड ओवरटोन पर कितना फ्रीक्वेंसी होगा ये हमें कैलकुलेट करना है, जबकि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दिया है 440 हर्ट्ज। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है कि फॉर अ वाइब्रेशन ऑफ स्ट्रिंग में ऑल हार्मोनिक्स आर प्रेजेंट, तो फर्स्ट ओवरटोन पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 2 टाइम्स ऑफ एन। और सेकेंड ओवरटोन पे जो फ्रीक्वेंसी होगी वो कितनी होगी? 3 टाइम्स ऑफ एन। बस इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। सो देयर फॉर फॉर द फर्स्ट ओवरटोन द फ्रीक्वेंसी इज 2 टाइम्स ऑफ एन। एन की वैल्यू कितनी है? 440। तो यहाँ से आंसर कितना मिल जाएगा? 088। तो कितना मिल गया? फॉर द फर्स्ट ओवरटोन द फ्रीक्वेंसी इज 880 हर्ट्ज। ओके, उसी तरीके से हम निकाल लेंगे कि सेकेंड ओवरटोन में कितनी फ्रीक्वेंसी है। तो सेकेंड ओवरटोन एन टू इज इक्वल टू क्या है? 3 टाइम्स ऑफ एन। तो ये हो जाएगा 3 × 440। तो 3 × 0 = 0, 3 × 4 = 12, 3 × 4 = 12 = 113। तो ये कितना अपने को आंसर मिला? 1320 हर्ट्ज, राइट। कैसे हम इसको निकालना? आंसर बहुत आसान था, क्योंकि हमें पता है कि फॉर अ स्ट्रिंग के लिए जो फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होती हैं ओवरटोन में वो क्या होती हैं? इवन ऑड्स सब फ्रीक्वेंसीज फॉर्म होती हैं। तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी अगर n है तो फर्स्ट ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर मिलेगी? 2n में। सेकेंड ओवरटोन की फ्रीक्वेंसी 3n में। थर्ड फोर्थ की 4, ऐसे करके कंटिन्यू होते जाएगा। तो जस्ट हमें क्या करना है, वैल्यूज को यहाँ पर पुट अप करके इसका आंसर फाइंड आउट कर लेना है। तो फर्स्ट ओवरटोन पे फ्रीक्वेंसी मिली 880 हर्ट्ज और सेकेंड ओवरटोन पे फ्रीक्वेंसी कितनी मिलती है? 1320 हर्ट्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन में क्या गिवन है, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21। ए सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉक्स इज अरेंज्ड इन अ सीरीज ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसीज। ईच फॉर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर्क। ओके, तो हमें यहाँ पर क्या दिया? ए सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉक्स दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या दिया है? ए सेट ऑफ 8 ट्यूनिंग फॉक्स। तो मान लो कुछ इस तरीके से 8 ट्यूनिंग फॉक्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ठीक है, 8 ट्यूनिंग फॉक्स को इस तरीके से अरेंज कर दिया है और हम लोग मान लेते हैं कि इसका फ्रीक्वेंसी n1 है, n2, n3। बिकॉज क्या बोला है? ट्यूनिंग फॉक्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में इस तरीके से कुछ अरेंज किया गया है, n6, n7, n8। ठीक है, और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? ईच फॉर्क गिव्स 4 बीट्स पर सेकेंड विद द नेक्स्ट वन। और हर फॉर्क कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 4 बीट्स विद द नेक्स्ट वन। यानी हम लोग बोल सकते हैं गिवन क्या है कंडीशन, दैट n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4। उसी तरीके से n3 माइनस n2 भी क्या हो जाएगा? n3 माइनस n2 इज इक्वल टू 4। तो हर एक ट्यूनिंग फॉर्क अपने नेक्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क से कितना बीट प्रोड्यूस कर रहा है? 4 बीट्स प्रोड्यूस कर रहा है पर सेकेंड। आगे क्या बोला है? द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस दैट ऑफ द फर्स्ट। और गिवन कंडीशन में क्या बोला है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क, यानी कि n8 इज 2 टाइम्स ऑफ n1। ये हमारे पास गिवन कंडीशन है, दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क। और आगे क्या बोला है क्वेश्चन में? कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट एंड द लास्ट फॉर्क। और हमें कैलकुलेट क्या करना है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट फॉर्क एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द लास्ट फॉर्क, ये हमें क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो यानी हमें गिवन कंडीशन में क्या है कि दो जो बीट फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 4 है। ठीक है, सबके लिए। सो चलो हम अब फाइंड करना है हमें n1 और n8। और गिवन कंडीशन क्या बोला है कि दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ 8th ट्यूनिंग फॉर्क इज ट्वाइस द फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, देखो, देयर फॉर यहाँ से n2 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी? n2 इज इक्वल टू n1 प्लस 4, राइट। n2 की वैल्यू क्या मिलेगी? n1 प्लस 4। तो इसे मैं क्या करता हूँ, देयर फॉर इसे हम लोग क्या लिख सकते हैं, देयर फॉर यहाँ से फिर हमें n3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो, n3 विल बी इक्वल टू
एन टू प्लस फोर, राइट। अब एन टू की वैल्यू क्या है हमारे पास, एन वन प्लस फोर प्लस फोर, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख लेता हूँ, एन वन प्लस टू इन टू फोर, ठीक है। इसको क्या देखो, 4 प्लस 4 कितना होगा 8, और इस तरीके से भी 2 4 जा कितना होगा 8। ये ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं ताकि हमारा सीक्वेंस बन सके, ठीक है। सो उसी तरीके से अगर हम n4 का निकालेंगे तो n4 कितना हो जाएगा फिर n3 प्लस 4, तो n3 की वैल्यू कितनी गिवन है, n1 प्लस 2 इंटू 4 प्लस 4, ठीक है। तो 2 4 जा 8, और 8 प्लस 4 कितना होगा 12, तो इसे मैं कुछ इस तरीके से लिख देता हूँ, n1 प्लस 3 इंटू 4, समझ में आ रहा है। यानी कि देखो, जब फ्रीक्वेंसी n3 है तो अपने को क्या यहाँ पर मिल रहा है, वेन द फ्रीक्वेंसी इज n3, तो हमारा सीक्वेंस क्या है, n1 प्लस 2 इंटू 4, और जब फ्रीक्वेंसी यहाँ पर क्या है n4, तो सीक्वेंस क्या मिल रहा है, n1 प्लस 3 इंटू 4, यानी लास्ट में अपना 4 टर्म आ रहा है, बिकॉज नंबर ऑफ बीट्स इज सेम फॉर ऑल द केसेस। सो देयरफॉर हम आगे बढ़ते जाएंगे ऐसा n4 से लेकर, तो फाइनली n8 में हमें क्या मिलेगा, n7 प्लस 4, राइट। अब n7 की वैल्यू फिर हमें यहाँ पर क्या मिलेगी, इट विल बी n1 प्लस, और इसको हम करते हैं 7 इंटू 4, ठीक है। तो यहाँ से फिर n8 की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, n8 इज इक्वल टू n1 प्लस 28, अगर 7 4 जा करेंगे तो क्या हो जाएगा 28। तो इस तरीके से हमने n8 की वैल्यू ढूंढ ली। अब देखो हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, गिवन कंडीशन में बोला है कि n8 इज टू टाइम्स ऑफ n1, और n8 यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, n1 प्लस 28। तो इस कंडीशन का हम यूज़ करके n1 की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेते हैं। सो देयरफॉर n8 की वैल्यू कितनी है, 2 टाइम्स ऑफ n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 28। तो यहाँ से फिर ये n1 इधर आएगा, तो ये कहा जाएगा 2n1 माइनस n1 इज इक्वल टू 28। तो n1 की वैल्यू क्या मिली हमें, 28 मिल गई, ठीक है। और उसके बाद क्या कैलकुलेट करना है, n8, n8 क्या है, 2 टाइम्स ऑफ n1, सो देयरफॉर n8 इज 2 टाइम्स ऑफ n1, तो ये क्या होगा, 2 इंटू 28 इज इक्वल टू 56 हर्ट्ज। तो n1 यानी कि फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर कितना मिल गया, 28 हर्ट्ज, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एट्थ ट्यूनिंग फॉर कितना मिल गया अपने को, 56 हर्ट्ज, ठीक है। यहाँ पर खाली आपको एक ही चीज़ समझना है ध्यान से, जैसे कि कंडीशन में बोला है क्वेश्चन में दैट द ट्यूनिंग फॉक्स आर अरेंज इन एन इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो हमने क्या किया, इन ट्यूनिंग फॉक को इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, और वहाँ पर बोला है कि जो बीट फ्रीक्वेंसी बिटवीन द टू ट्यूनिंग फॉक्स हमें मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 4 मिल रही है। तो ये 4 सबके लिए कॉमन है, यानी तो क्या इक्वेशन बनेगा, n2 माइनस n1 इज इक्वल टू 4, n3 माइनस n2 इज इक्वल टू 4, उसी तरीके से क्या होगा, n4 माइनस n3 इज इक्वल टू 4 एंड सो ऑन। तो हमने क्या किया, इस इक्वेशन का यूटिलाइजेशन कर लिया, क्योंकि हमें गिवन कंडीशन में क्या है, एंड दैट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एट ट्यूनिंग फॉर्क इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द फर्स्ट ट्यूनिंग फॉर्क एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द एट्थ ट्यूनिंग फॉर्क। तो हम इस इक्वेशन का सबसे पहले यूज़ करेंगे, तो n2 यहां से क्या मिल जाएगा हमें, n1 प्लस 4, तो हमने n1 प्लस 4 रख दिया। उसी तरीके से n3 क्या हो जाएगा, n3 विल बी n2 प्लस 4, तो n2 प्लस 4। अब हमें पता है कि n2 की वैल्यू कितनी है, n1 प्लस 4, तो हमने n2 की जगह पर क्या रख दिया, n1 प्लस 4, और वहां पर क्या है 4, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8, तो हम 8 नहीं लिखेंगे, 8 से के जगह पर क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4, ताकि ये जो लास्ट में 4 है ना ये सब के लिए सीक्वेंस में कॉमन रहे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसे लिख दिया, अब 2 4 जा 8 ही होने वाला है। उसी तरीके से n4 का निकाल लेंगे, n4 क्या हो जाएगा, n3 प्लस 4, n3 किसके बराबर होगा, n1 प्लस 2 इंटू 4 और प्लस 4, तो ये टोटल वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 4 जा 8 प्लस 4 कितना 12, तो हमने इसे क्या कर लिया, 3 इंटू 4, तो वापस देखो यहाँ पर भी 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ये 4 आ रहा है, ठीक है। और अगर आप देखोगे तो जब हम n4 निकालते हैं तो यहाँ पर 3 आ रहा है, जब n3 निकालते हैं तो यहाँ पर 2 आ रहा है, ठीक है, और जब हम लोग n2 निकालते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो इस तरीके से जब आप इसे सॉल्व करते जाओगे तो फाइनली आपको n8 पे क्या मिलेगा, n7 प्लस 4, तो n7 क्या होगा, बेसिकली n1 प्लस 7, राइट। तो हमने यहाँ पर क्या किया, n1 प्लस और यहाँ पर 7, तो 7 इंटू 4 करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 28। तो फाइनली हमने आंसर लिख लिया, n1 प्लस 28। अब हमारे पास गिवन कंडीशन क्या है, दैट n8 इज 2 टाइम्स ऑफ n1, इस कंडीशन का यूज़ करके हमने n1 की वैल्यू निकाल लिया और वो हमें कितनी मिली, 28 हर्ट्ज। देन वापस से इसी इक्वेशन में n1 की वैल्यू को पुट अप किया तो n8 की फ्रीक्वेंसी कितनी मिल गई, 56 हर्ट्ज, राइट।
अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 22 में क्या गिवन है। ए सोनोमीटर वायर इज स्ट्रेस्ड बाय टेंशन ऑफ 40 न्यूटन, इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क ऑफ फ्रीक्वेंसी 384 हर्ट्ज, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाय 1.24 न्यूटन। तो यहाँ पर जो न्यूमेरिकल दिया है इट इज़ रिलेटेड टू द सोनोमीटर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22, ठीक है, आइए देखते हैं क्या गिवन है क्वेश्चन नंबर 22 में, कि एक सोनोमीटर वायर है एंड इट इज़ स्ट्रेस्ड बाय अ टेंशन ऑफ 40 न्यूटन। तो उसमें टेंशन कितना है 40 न्यूटन, सबसे पहले तो ये गिवन है। फिर क्या बोल रहा है, इट वाइब्रेट्स इन यूनिसन विथ अ ट्यूनिंग फॉर्क, और वो ट्यूनिंग फॉर्क के साथ वाइब्रेट कर रहा है विथ अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 384 हर्ट्ज़। तो फ्रीक्वेंसी दिया है 384 हर्ट्ज़। और क्या बोला है, हाउ मेनी नंबर ऑफ बीट्स गेट प्रोड्यूस इन 2 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड कितने प्रोड्यूस हो रहे हैं ये हमें फाइंड करना है, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, ठीक है। यानी कि हमें क्या कैलकुलेट करना है, n इज इक्वल टू n1 माइनस n2, है ना। अगर हमें नंबर ऑफ बीट्स पता करना है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है, n1 माइनस n2। तो अगर हमें n1 और n2 की वैल्यू को पता हो, उसे हम माइनस कर देंगे एक दूसरे से, तो हमें नंबर ऑफ बीट्स 1 सेकेंड मिल जाएगा, और अगर हमें उसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बीट्स 2 सेकेंड की पता चल जाएगी। आगे क्या बोला है, इफ द गेट प्रोड्यूस्ड इन 2 सेकेंड इफ द टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाई 1.24 न्यूटन। तो टेंशन इन द वायर इज डिक्रीज बाई 1.24 न्यूटन, तो टेंशन इन द वायर कितना डिक्रीज हो रहा है बाई 1.2, इसको हम लोग T1 ले लेंगे, इसको T2, तो कितना डिक्रीज हो रहा है 1.24। तो अगर 1 पॉइंट डिक्रीज हो रहा है तो हो जाएगा 40 माइनस 1.24, तो यहाँ से अपने को कितना आंसर मिल जाएगा, फिर इट विल बी, इसको हमें क्या करेंगे माइनस कर लेंगे, तो मिल जाएगा 38.76, ठीक है। तो T2 की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 38.76 न्यूटन। T1 की वैल्यू कितनी है, 40। तो यहाँ से हमें क्या समझ में आ रहा है कि ये किसकी वैल्यू दी है अपने को, N1 की, विच इज़ इक्वल टू 384 हर्ट्ज़। यानी हमें फाइंड क्या करना है, N2। अगर हमें N2 मिल जाए तो इस फॉर्मूले में हम वैल्यूज़ को पुटअप करके नंबर ऑफ बीट्स इन 1 सेकेंड निकाल सकते हैं, और अगर उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ बीट्स 2 सेकेंड का हमें मिल जाएगा, राइट। तो चलो अभी हम इसे सॉल्व करते हैं आगे। सो देयरफॉर, अब देखो ये फॉर्मूला रिलेटेड टू द सोनोमीटर है, और सोनोमीटर में कौन से फॉर्मूला अप्लाई होते हैं, रिलेटेड टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या होता है, n = 1/2L√T/m, ठीक है। तो यहाँ पर अपने 2 इक्वेशन बन जाएंगे, तो 2 इक्वेशन क्या लेंगे, n1 t1, ठीक है। एक इक्वेशन तो ये हो जाएगा n1 t1, और दूसरा इक्वेशन क्या होगा, एंड n2 = 1/2L√T2/m। देखो यहाँ पर लेंथ ऑफ तो सेम रहने वाला है दोनों के केस में, और दोनों के केस में लीनियर डेंसिटी भी क्या रहेगी, सेम रहेगी, ओके। खाली यहाँ पर क्या चेंज होगा, फ्रीक्वेंसी चेंज होगी बिकॉज ऑफ द टेंशन। तो यहाँ पर हमने n1 t1 ले लिया, n2 t2 ले लिया। अगर हम ये दोनों इक्वेशन को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, देयरफॉर n2/n1 = क्योंकि हमें फाइंड क्या करना है, n2 फाइंड करना है, तो ये क्या हो जाएगा, देखो 1/2L कैंसिल हो जाएगा, m से m भी कैंसिल हो जाएगा। सो देयरफॉर यहाँ पर बचेगा क्या हमारे पास, √T2/√T1। सो देयरफॉर n2 = ये क्या हो जाएगा, √T2/T1 × n1, राइट। सो इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। देखो T2 की वैल्यू कितनी गिवन है हमें, T2 की वैल्यू दिया है 38.76। तो हम यहाँ पर वैल्यूज़ को पुटअप करते हैं, ये कितना हो जाएगा, 38.76/40 × n1 की वैल्यू कितनी है, यहाँ पर n1 की वैल्यू दिया है 384, ठीक है। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा आपका 38.76, और मैं इसको लिखता हूँ 4 × 10^1 × 384, ठीक है। इसको और आगे हम आगे सॉल्व करेंगे, तो मैं इसको लिख देता हूँ कुछ इस तरीके से, 4 से अगर हम इसे कट करें तो 4 9 36, बैलेंस बचा 27, तो 4 6 24, बैलेंस कितना बचेगा 24 36, और 4 9 36, और ये 10^ ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, 10^-1, राइट, × 384। अब हम इसे आगे और सॉल्व करते हैं, सो देयरफॉर n2 = देखो क्या हो जाएगा,
रूट ऑफ, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें स्क्वायर रूट निकालना है, तो स्क्वायर रूट निकालने के लिए आपको पावर जो है वो इवन नंबर में लाना पड़ेगा। तो मैं इसे इवन नंबर में लाने के लिए क्या करता हूँ, इसको लिखता हूँ 96.9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 384। अब देखो हम रूट इसका निकाल सकते हैं, रूट ऑफ हमें क्या देखना है, 96 में 9 की क्या वैल्यू होगी ये हमें चेक करना है, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सो देयरफॉर हमें जाना है स्क्वायर रूट टेबल में, और स्क्वायर रूट टेबल में जब आप जाओगे तो वहाँ पर हमें क्या वैल्यू देखना है कि 96 में 9 की क्या वैल्यू गिवन है। तो 96 में 9 कितना दिया है, इट इज़ गिवन 9.844, कितना दिया है 9.844, और 10 की पावर माइनस 2 बाहर निकलेगा तो क्या होगा, माइनस 1 इंटू 384। तो बेसिकली इसका मतलब क्या हो जाएगा, 0.9844 इंटू 384। अब आपको सिंपली करना क्या है कि इसे आपको मल्टीप्लाई कर लेना है। जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो इसका फाइनली आंसर क्या आएगा, देखो तो मल्टीप्लाई करने पर जो इसका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 378 आएगा आंसर, ठीक है। तो n2 की वैल्यू हमें यहाँ पर कितनी मिल गई, 378। बाय यूजिंग लॉग एंटी लॉग आप इसे सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आपको कितना मिलेगा, 378। सो देयरफॉर नंबर ऑफ बीट्स का फॉर्मूला क्या है, n1 माइनस n2, n1 की वैल्यू कितनी है 384, n2 की वैल्यू कितनी मिली 378। अगर इससे हम माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा अपने को, नंबर ऑफ बीट्स पर सेकेंड इज 6। हमें निकालना क्या है, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड, नंबर ऑफ बीट्स इन 2 सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 6 × 2 इज इक्वल टू 12, ठीक है। तो नंबर ऑफ बीट्स की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 12। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्या गिवन है, ए सोनोमीटर वायर ऑफ लेंथ 0.5 मीटर इज स्ट्रेस्ड बाय अ वेट ऑफ 5 kg, द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन इज 100 Hz, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी ऑफ द वायर। तो क्वेश्चन नंबर 23 में गिवन वैल्यूज क्या क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो ये बोला है कि एक सोनोमीटर वायर है जिसका लेंथ दिया है 0.5 मीटर, तो लेंथ ऑफ द सोनोमीटर वायर इज 0.5 मीटर, इज स्ट्रेस बाय अ वेट ऑफ 5 kg, वेट यानी कि मास दिया अपने को, कितना दिया है, इट इज गिवन 5 kg, तो हम लिख लेंगे 5 kg। द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन इज, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यानी n की वैल्यू दिया है एंड इट इज गिवन 100 Hz, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द लीनियर डेंसिटी। तो लीनियर डेंसिटी का मतलब हमें क्या कैलकुलेट करना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है, राइट। तो ये जो क्वेश्चन है इट इज रिलेटेड टू द सोनोमीटर, और सोनोमीटर में कौन से फॉर्मूले लगते हैं, रिलेटेड टू द वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग। तो वाइब्रेशन प्रोड्यूस इन द स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, n इज इक्वल टू 1/12 रूट ऑफ t बाई स्मॉल m, राइट। देखो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या है, n की वैल्यू गिवन है, l की भी वैल्यू गिवन है, लीनियर डेंसिटी कैलकुलेट करना है, टेंशन नहीं दिया है, लेकिन हमें पता है टेंशन क्या होता है, टेंशन इज इक्वल टू mg, तो मास तो हमें दिया है और ग्रेविटी की वैल्यू क्या होती है, 9.8, तो यहाँ से हमारा पूरा काम बन जाएगा। तो चलो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंस मुझे m फाइंड करना है तो मैं इसे स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करके रूट हटा लेते हैं सबसे पहले। तो अगर मैं इसको स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करूँ तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर 1/4 l स्क्वायर, और ये क्या बचेगा फिर, t बाई स्मॉल m, राइट। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, m, तो m के लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर इंटू 4 l स्क्वायर इंटू m इज इक्वल टू t, सो देयरफॉर m इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t/n² × 4 l², ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वैल्यूज को पुट अप करेंगे, सो देयरफॉर स्मॉल m इज इक्वल टू t की वैल्यू कितना दिया है, t की वैल्यू होती है mg, तो m कितना है यहाँ पर 5, g की वैल्यू क्या है 9.8 अपॉन n, तो n की वैल्यू कितना दिया है 100, तो 100 का स्क्वायर हो जाएगा ये 100 का स्क्वायर इंटू 4 इंटू l का स्क्वायर, l की वैल्यू कितनी है 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर, ठीक है। इसे हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा, 5 × 9.8, 100 के स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 10^4 इंटू 4 इंटू 5 का स्क्वायर कितना होगा, 0.25, तो ये कितना होगा, 5 × 9.8 अपॉन 10 की पावर 4 ऐसे लिखता हूँ, और अगर हम इसे मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, इसे हम क्या करें, मल्टीप्लाई कर दें, तो ये आंसर कितना हो जाएगा फिर,
4, 25 या 100, मतलब कि 2 के बाद 0, तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा, 5 इंटू 9.8 अपॉन 10 की पावर 4, है ना, बिकॉज 1.0 इज 1, 1 मल्टीप्लाइड बाई दिस इज सेम, सो देयर फॉर ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू को 9 इंटीजर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 5 एट जा 40 का 0, बैलेंस 4, 5 9 जा 45, और 4 कितना हो गया 49.0 इंटू 10 की पावर ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस 4, सो देयर फॉर फाइनली लीनियर डेंसिटी के आंसर कितना मिल रहा है अपने को, वी कैन राइट 49 इंटू 10 की पावर माइनस 4, और इसका यूनिट होता है केजी पर मीटर, ठीक है। इसी आंसर को आप अगर चाहें तो कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, m इज इक्वल टू 4.9 इंटू 10 की पावर माइनस 3 केजी पर मीटर, ठीक है। तो ये हमें क्या मिल गया, लीनियर डेंसिटी मिल गई। तो चलिए अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स। क्वेश्चन नंबर 24 क्या गिवन है, द स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार इज 80 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड हैज अ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ 112 हर्ट्ज। इफ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, वेयर शुड द पर्सन प्रेस द स्ट्रिंग, ठीक है। तो सबसे पहले क्या बोला है कि स्ट्रिंग ऑफ अ गिटार का यहाँ पर लेंथ दिया है, कितना लेंथ दिया है, इट इज 80 सेंटीमीटर, यानी कोई गिटार है और उसका स्ट्रिंग दिया है, तो मैं कुछ इस तरीके से ले लेता हूँ, गिटार मुझे बनाना नहीं आता है, तो सपोज करो ये स्ट्रिंग है और इस स्ट्रिंग का लेंथ दिया है 80 सेंटीमीटर, तो जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 80 सेंटीमीटर है तो फ्रीक्वेंसी कितना प्रोड्यूस हो रहा है, 112 हर्ट्ज, ये गिवन क्वेश्चन में है। फिर क्या बोला है, इफ अ गिटारिस्ट विशेस टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, तो अगर गिटारिस्ट को 160 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कराना है तो वेयर इट शुड प्रेस, तो उसे किधर पर प्रेस करना पड़ेगा, यानी कि हमें एक फ्रीक्वेंसी N1 दिया है और N2 कितना बोला है 160 हर्ट्ज, यानी अल्टीमेटली ये L1 दिया है, तो उसने बोला है उसे कहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, प्रेस यानी कि L2 हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। सो आई होप सो कि क्वेश्चन समझ में आया होगा कि जब लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग 80 सेंटीमीटर है तो फ्रीक्वेंसी कितनी फॉर्म हो रही है, 112 हर्ट्ज, ठीक है, यानी वो 80 सेंटीमीटर पे जब प्लग करता है तो उसको फ्रीक्वेंसी कितनी फॉर्म होती है, 112 हर्ट्ज। तो वो ये बोल रहा है कि अगर 160 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी को प्रोड्यूस कराना है तो फिर उस गिटारिस्ट को कहाँ पर प्लग करना पड़ेगा ताकि वो फ्रीक्वेंसी 160 हर्ट्ज की प्रोड्यूस हो सके। तो हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, इस कंडीशन से हमें क्या पता चलता है, दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज डायरेक्टली सॉरी द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द वायर, यानी यहाँ पर हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, रिलेटेड टू द लॉ ऑफ लेंथ। तो फ्रॉम लॉ ऑफ लेंथ जो जनरल फॉर्मूला मिलता है वो क्या है, N1L1 इज इक्वल टू N2L2, एकदम सिंपल। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, L2, तो L2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, N1L1 अपॉन N2। N1 की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर, 112, L1 की वैल्यू कितनी है, 80 सेंटीमीटर है, तो इसे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, फिर 0.8 मीटर, तो इसे मैं लिखता हूँ 0.8 अपॉन N2 की वैल्यू कितनी है, 160, ठीक है। तो इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, चलो तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं इसे ऐड, तो ये हो जाएगा 0.1, 8 से कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 20, तो ये हो जाएगा, फिर अगर मैं 1 से इसे मल्टीप्लाई करूँ तो 11.2 अपॉन 20, तो इसे हम और सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 11.2 अपॉन इसे क्या लिख सकते हैं, 2 × 10^1, सो देयरफॉर L2 कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, ये हो जाएगा 11.2 × 10^1 ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, -1/2, तो 2 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 5 और ये बचेगा यहाँ पर 12, यानी कि 6 × 10^-1, तो ये कितना हो जाएगा, 0.56 मीटर। अगर हम इसे सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या समझ में आएगा, 56 सेंटीमीटर। सो इफ द गिटारिस्ट वॉन्ट टू प्रोड्यूस अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 160 हर्ट्ज, उसे कहाँ पर प्रेस करना पड़ेगा, 56 सेंटीमीटर पे, राइट। तो इस तरीके से हमने इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी सॉल्व न्यूमेरिकल्स के सोल्यूशन थे, अनसॉल्व न्यूमेरिकल के सोल्यूशन थे, सारे सोल्यूशन, सारे न्यूमेरिकल्स के क्वेश्चन को कवर अप यहाँ पर कर लिया है। होप सो कि आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे, और अगर आपको वीडियोस अच्छे लगे हैं तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ओके। तो मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में अगले चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ।